महाभारत की कहानी कई रहस्यों का समागम है। इस गाथा में ऐसी घटनाएं शामिल है जिन्हें समझना वाकई में बहुत ही मुश्किल है। श्राप, वरदान, लालच, युद्ध और रणनीति, इन पांच शब्दों का मेल जोल है महाभारत। महाभारत की कहानी कई ऐसे योद्धा या पात्र हैं जिनका जीवन उनके पूर्व जन्म के कार्यों पर आधारित रहा। उदाहरण के लिए भीष्म पितामह 5 वर्षों में एक थे। द्रौपदी को अपने पिछले जन्म की गई अपनी माँ के रूप में 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। कर्ण अपने पूर्व जन्म में राक्षस थे जिसकी वजह से उन्हें हमेशा सूत पुत्र ही कहलाना पड़ा। ऐसे ही अनेक पात्रों के बीच एक और पात्र थे धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे थे। महाभारत की कहानी में धृतराष्ट्र को एक ऐसे पात्र के तौर पर प्रस्तुत किया गया जो शुरू से लेकर आखिर तक पुत्र मोह में अंधे रहे। अब इसे धृतराष्ट्र की कमी कहे या उनकी खूबी, लेकिन यही वो कारण था जो वास्तविक तौर पर हस्तिनापुर और कौरवों के सर्वनाश का कारण बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र की नेत्रहीनता उनके इस जन्म की नहीं बल्कि पिछले जन्म का बदला था। आज हम आपको धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे शायद आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। आपको बता दें कि पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही दुष्ट राजा थे और एक बार वो अपने सेवकों के साथ नदी के पास घूम रहे थे कि अचानक उनकी नजर हंस और उनके बच्चों पर पड़ी जो नदी में पानी में गोते लगा रहे थे। तब दुष्ट राजा ने अपने सेवकों को यह आदेश दिया कि उस खूबसूरत हंस की आंख फोड़ दे और उसके बच्चों को मार डाले। ऐसा करने से हंस के बच्चे तो मर गए और हंस दृष्टिहीन हो गया, लेकिन जब वो हंस अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था तब उसने दुष्ट राजा को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे नेत्र निकाल कर मेरा जीवन समाप्त कर दिया, मेरी संतानों को मेरे सामने ही मार डाला, उसी तरह अगले जन्म में तुम्हें भी नेत्र और पुत्र सब कुछ गंवाना पड़ेगा। वही हंस ने दुष्ट राजा के ये कहा कि नेत्रहीन होने के वजह से उसे जीवन भर अपमान झेलना पड़ेगा और उसकी संतानों को मृत्यु भी उसके सामने होगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। धृतराष्ट्र का ये भी श्राप दिया कि जन्म से अंधा होगा और पूरी उम्र अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं देख पाएगा। हंस के द्वारा धृतराष्ट्र को दिया गया ये श्राप अगले जन्म में भुगतना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र न सिर्फ जन्म से अंधे रहे बल्कि इसी नेत्रहीनता की वजह से उन्होंने अपने समस्त कुल का सर्वनाश कर दिया। SPN 9 न्यूज़ रूम से अभिषेक की रिपोर्ट।